सुनो, इस बात को अपने तक ही रखना, ठीक है? रो रो दीदी, रो रो दीदी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे ह्यूमंस अच्छे नहीं लगते हैं। अब इस किताब को पढ़ो। दो चार पेजेस की किताब है। नहीं, यही किताब है, और याद रखना ये किताब पूरी पढ़नी है। अरे, एक दिन ऐसा हुआ था कि वहाँ डीमन, वैम्पायर नींद आ रही है। आखिर ये 33 का मतलब क्या है? कज़ामा ने ये क्यों लिखा था? ओ वैम्पायर डीमन, समझ में नहीं आ रहा आखिर इसके पीछे क्या राज है। शायद ये कहीं ऐसा तो नहीं। ये तो क्लॉक टावर है। यहाँ पे तो एक्शन कामिल लिखा हुआ है। सुमिको मैम कहाँ है? मेरा प्राइवेट लेसन होने वाला था। मुझे प्राइवेट लेसन चाहिए। ओ मिस्टर डीमन, छोड़ो मुझे। कसम तुम, मैं इसे पहचानता हूँ। चलो शुरू करो। स्विच ऑन। ये क्या? सामने से हट जाओ। क्या हुआ? तुम रो रहे हो क्या? ये आंसू नहीं है, ये मेरी नाक से निकल रहा है। क्या हुआ? मुझे लगा क्लॉक टावर ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्राइम सीन क्लॉक टावर नहीं है। ये क्या? सुपर एलीट? इसका मतलब कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। मैंने कर दिखाया। तुमने सबको क्लॉक टावर की झूठी खबर फैलाई और क्राइम सीन लाइब्रेरी में किया, जहाँ कोई भी नहीं आता है। यही है ना सच? और तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से नैनी के नैनो से बच पाओगे? ये खुद की तारीफ करने का समय नहीं है। फायर, सावधान हो जाओ वैम्पायर। कदमा।